आगे मत जाओ, पीछे पीछे सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। चिंटू एक मिनट, चिंटू वहीं खड़े हो, पास समझो साइड साइड। अभी माइक पैक देख ला भाई, मार और मत लो। जी हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो आपके अपना हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज ससुराल फिल्म हम सभी लोग मुंबई में देखने आए हैं। 7 तारीख को फिल्म मुंबई में रिलीज़ हुई थी और ईद के मुबारक मौके पर पूरे बिहार झारखंड और नेपाल में रिलीज़ हुई थी। तो ये हम सब के लिए, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं हमारे दर्शकों का शुक्रिया अदा बयां कर पाऊँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्यार अपने भाई पर, अपने बच्चे पर, अपने हीरो पर जो दिया है, वही प्यार वही सम्मान हमेशा बरकरार रखें, हमेशा देते रहें। बिहार में ईद पर जब ये फिल्म लगी थी तो बहुत बड़ी ओपनिंग मारी थी, सबसे बड़ी ओपनिंग मारी थी। और जिस बात का मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद था कि मेरे दर्शक, मेरे जो लोग हैं, मेरा जो भोजपुरिया परिवार है, वो अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो चीज़ साबित हो गई। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया, अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखा है। और जो हम सबका जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा प्रयास था कि ससुराल को पूरा परिवार देखे, मेरा पूरा जितने भी भोजपुरिया परिवार है, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माताओं बहनों के साथ देखे, वो चीज़ हमारी पूरी हो रही है। लोग पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। और मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि हम कलाकारों की मेहनत तो है ही है, लेकिन जो पर्दे पे लोग कलाकार हैं, उनके मेहनत के साथ साथ जो पर्दे के पीछे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उन सभी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस फिल्म के लिए। चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, हमारे ग्राफिक्स वाले हों, रवि भाई, जितने भी लोग हैं, सभी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर महेश वेंकट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और काफ़ी ज़्यादा फिल्म को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। तो मैं हमारे तमाम पूरे टीम टेक्नीशियंस को, ससुराल से जुड़े जितने भी लोग हैं, आप सभी मीडिया कर्मी को, सभी लोगों को मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो प्यार, जो सम्मान और जो साथ, जो अपनापन जो बना के रखें अपने बच्चे के साथ, वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही अपनापन हमेशा बनाए रखें। जी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा कब बढ़ती, जब मैं अपने ऑडियंस के साथ ये मूवी देखती हूँ, और वो जब सीटियाँ बजाते, जब तालियाँ बजाते, तो उस चीज़ का तो मैं मतलब कुछ जवाब ही नहीं उस चीज़ के लिए। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और ये हमेशा हम सब कलाकारों पे उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और ये आज भी ये भोजपुरी में ही देखने को मिलता है, जो जोश और जो जज्बा है सिनेमा के प्रति, वो आज भी भोजपुरी में ही देखने को मिलता है। इसीलिए गर्व होता है हमारे अपने भोजपुरी पे कि हम उस मिट्टी से हैं, उस जिला से हैं, उस जवार से हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं, उस खून से जुड़े हुए हैं। और ये हम सबके, इसीलिए ये गर्व की बात है कि लोग सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुलार देते हैं, लोग काफ़ी जोश के साथ, काफ़ी जज्बे के साथ देखते हैं। और मैं यही आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये जोश, ये जज्बा हमेशा कायम रखें, ताउम्र कायम रखें, हमेशा चाहे जहाँ जाएँ भोजपुरी सिनेमा अगर कहीं भी लगे तो उसे पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे खुशियों के साथ देखिए, कि ताकि ये सिनेमा का ये जोश हमेशा यूँ ही चलता रहे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। वैसे तो मैंने इसमें एक सॉन्ग किया है, लेकिन इनको भी भोजपुरी नहीं आता है, क्योंकि अभी हमारी एक फिल्म आ रही है माई रे हमरा उहे लेकी चाही, उसमें ये गुजरात से होती हैं और ये गुजराती होती हैं। हाँ अभी खोजने में भी चल रहा है मामला, तो वही हमने उस सिनेमा में भी दर्शाया है। तो हम इनके भोजपुरी सिखाओ, इनके भोजपुरी ना आवेला, तो जब सिनेमा है तो आप सबके जरूर पता चले। बाकी अभी इनके के राधे राधे बोले कि हाँ सब।
जी, लेकिन मुझे दो दिन पहले इन्होंने दो वर्ड सिखाए थे भोजपुरी के, वो जरूर बोलूंगी कि रवा को प्रीति ध्यानी की तरफ से रवा को प्रीति ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते रवा की हालचाल माँ। सभी लोगों ने जितने भी को एक्टर्स हैं, चाहे वो प्रीति हो, काजल हो और एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री है इसमें अमृता आचार्य, वो भी सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम सभी की ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी जब हम ससुराल की जब कहानी पर जब काम कर रहे थे तो हमको यही फेसेस चाहिए थे, यही चेहरे चाहिए थे जो इस सिनेमा को और चार चांद लगा दिया इन लोगों ने, इन खूबसूरत चेहरों ने। तो इन खूबसूरत चेहरों का बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी लोग इस फिल्म में जुड़े हुए, जितने भी कलाकार, चाहे वो टीनू वर्मा जी हों जिन्होंने कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, हिंदी बड़ी बड़ी फिल्मों के अवार्ड जीते हैं, उन्होंने काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दमदार अभिनय किया है इस फिल्म में, चाहे वो सुशील सिंह जी हो, प्रकाश जयेश जी हो, रत्नेश जी हो, कई सारे कलाकार हैं इसमें, हिंदी भोजपुरी से जुड़े 50 से ज़्यादा कलाकार हैं। तो जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो लोग हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स के माध्यम से कि फिल्म कैसी लगी है, और जिन लोगों ने फिल्म को नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखें। मुझे अभी सुनने में आया है कि कुछ लोगों को टिकट्स ना मिलने के कारण लोग फिल्म नहीं देख पाए हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोबारा जाइए जाकर सिनेमा को जरूर देखिए, क्योंकि सिनेमा आपको देखने लायक है और बार बार देखने लायक है। कौन सी इस फिल्म में हम किसी भी एक प्रांतवादी नहीं, हमने यही दिखाया है कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान भले अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में बढ़ गया हो लेकिन हिंदुस्तान एक है, चाहे वो यूपी बिहार के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, मराठी के लोग हों, चाहे गुजराती के लोग हों, चाहे पंजाबी के लोग हों, चाहे वो मद्रासी हो, कितने भी लोग हों, चाहे जहाँ के भी हों, लेकिन हैं सारे हम हिंदुस्तानी। और वही बात इस फिल्म के माध्यम से वही मैसेज दिया गया है कि हम चाहे जहाँ भी हो हम सिर्फ हिंदुस्तानी रहेंगे। और मैं हम सभी मेरे दर्शकों से भी यही निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग अगर प्रांतवादी हैं या धर्मवादी हैं या जातवादी हैं, कृपया उन चीज़ों को अपने मन से हटा दें। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सभी एक 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 भगवान की औलाद हैं, तो उसी तरीके से रहें और ऐसे ही आपस में प्रेम भाव बढ़ाते रहें और बेटी बेटियों को सम्मान दें, अपने घर की महिलाओं को सम्मान दें, उनकी रक्षा करें, बस यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पसीना वसीना थैंक यू। चलो चलो।